In a case of road rage, a diplomat from the Russian embassy who was severely intoxicated rammed into a police barricade in Motibagh here and also rear-ended a motorbike, injuring two. The incident happened late at night around 1:30 a.m. where the diplomat, after hitting the bike, was asked to stop by the police. But instead of stopping, he slammed his car into the barricade. The diplomat refused to come out of the car and allegedly punched and abused a constable on duty. बाहर का काम करते हैं पार्ट टाइम पे, तो वहाँ से आ रहे थे काम करके, तो बैरियर ले गए थे पुलिस के बैरियर ले गए थे। जैसे ही हमने गाड़ी स्लो करी, हम टर्न ले रहे थे, पीछे से ही एम्बेसी का बंदा फॉरनर इतनी तेजी ब्रेक लाया, वो ब्रेक नहीं मार पाया, वो अनकॉन्शियस हो रखा है, बिल्कुल ड्रिंक कर रखी है उसने, बहुत बुरी तरह ड्रिंक कर रखी है उसने, हमारे को इतनी जोर से हिट किया, काफी ज्यादा रगड़ते हुए आई, आगे रगड़ गया, फिर बैरियर में टक्कर खाया, टक्कर खाने का बैरियर हमारे ऊपर गिरा, और प्लस गाड़ी की हालत आप देख ही सकते हो, गाड़ी की हालत जो हो रखी है। उसके बाद उसको बाहर निकाला, बाहर नहीं निकल रहा वो, जैसे जैसे दरवाजा खोला उसकी ड्रिंक की स्मेल आ रही है, कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं है, कुछ भी हिम्मत में नहीं है, बल्कि पुलिस वाले को हिट कर रहा है, जो पकड़ रहा है उसको हिट कर रहा है, और रशियन एम्बेसी का बता रहे हैं उसको। हम दो लोग थे, मेरा फ्रेंड बाइक चला रहा था, पीछे बैठा था, आप देख सकते हो जैसे मेरे लगी है ये, इतनी बुरी तरह कपड़े फटे, मैं हिट करे गाड़ी के ऊपर आया, फिर नीचे रगड़ खाया, और मेरे फ्रेंड के हाथ में हड्डी उसके ब्रेक हो रखी है, अब आई थिंक हॉस्पिटल में अब देखना पड़ेगा वहां जाके वो उसकी क्या कंडीशन है। ज्यादा ही चोट आई, हाथ में तो लगी है और थोड़ा यहाँ पे स्क्रैच आया उसके, और आपके? मेरे हाथ में लगी है, अब थोड़ा ध्यान पेन हो रहा है, और बाकी बैक में बहुत पेन हो रहा है, ये दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, और ये पूरे बैक दर्द हो रहा है, अभी जाके दोबारा दिखाना पड़ेगा, मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भाग ना जाए। Besides the other biker who has been admitted in AIIMS, the Russian official also sustained injuries and was seen with a heavily bleeding nose. The diplomat was later taken away by his friend who had a lengthy discussion with the police. The police have established contact with the Russian embassy and are contemplating legal action. Correspondent Sonu from New Delhi for ANI.